अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू, और इसमें आज का हमारा उनवान है परस्तान की शहजादी। सफा नंबर है 31, इसमें हमारा सवाल नंबर 3 जिसमें हम अल्फाज मानी और तशरीह करेंगे। सफा नंबर 31 हम पढ़ने लगे हैं, इससे पहले हम अशरफ सबूही का तारुफ सफा नंबर 29 और सफा नंबर 30 पढ़ चुके हैं। आज के अल्फाज मानी देखिए, कलेजे पर सांप लौटना, इंतहाई गुस्से में आना, बेमरवती बदले हाजी, गौर गढ़े का ठिकाना। प्यारे बच्चों, गौर का मतलब होता है कब्र, गौर गढ़े का ठिकाना यानी जिंदगी गुजारने का बंदोबस्त होना, अकलौती अकेली, जोड़े सिलना जोड़े कपड़ों को कहते हैं, जोड़े सिलना कपड़े सिलाई होना, बोंड पुलाओ बिरयानी, पेस पालकी या सवारी जिसमें सफर किया जाता था, 52 पसंद, हटो बच्चों प्रोटोकॉल, पीछे पीछे हट जाओ यहां से, एक सवारी गुजरने लगी है, कुहार सवारी उठाने वाले जो अफराद हैं उनको, पालकी उठाने वाले अफराद को कुहार कहते हैं, मुंह से फूटना यानी बोलना, दिल कड़ा करना दिल सख्त करना, जुट पटा गुरुबे आफ्ताब, बदन में सनसनी आना, डर खौफ, साई साई खामोशी, सत्यानाश करना नुकसान पहुंचाना। सफा नंबर 31 के ये है अल्फाज मानी, बाकी जो लफ्ज साथ साथ आएंगे मैं तशरीह के दौरान आपको समझाती हूँ। आप सफा नंबर 31 खोलें, क्लास 10 की किताब उर्दू का। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सैयदानी बी से मीर साहब की बीवी पूछ रही हैं कि सैयदानी बी आप जब परस्तान की इस सैर के लिए गए तो वहां पर क्या हुआ, वो जो किस्सा है मुख्तसर करके सुना रही हैं सैयदानी बी। सफा इस तरह शुरू होता है, पीछे से मैं एक लाइन पढ़ूंगी, सद रहमत उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। यहाँ पर मीर साहब की बीवी सैयदानी बी की हिम्मत की दाद दे रही है कि तुम्हारी माँ के सदके जे और उन पर बहुत सी रहमतें। अच्छा हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ था परस्तान में, तुम्हारे साथ क्या गुजरा, कैसा तुम्हारा सफर रहा, ये हमें बताओ। क्यों गई थी, तुम्हारे जाने का क्या मकसद था, वहां क्या कुछ हुआ, परस्तान कैसा मुल्क है, वहां क्या क्या देखा। दरअसल ये सैयदानी बी का एक ख्वाब है, वो ख्वाब में परस्तान देखती है और वो कहानियां फिर बच्चों को सुना रही है। अब वहां मीर साहब की बीवी भी बच्चों के साथ आ बैठी है, वो भी सवाल पूछ रही है। सैयदानी भी कहने लगी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं कि परस्तान जाने का जब मुझे किस्सा याद आता है तो मुझे इंतहा दर्जे का गुस्सा आ जाता है। परस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांकने गई थी, जोड़े टांकने से मुराद सूट सिलाई करना, कपड़े सिलाई करने के लिए गई थी, बहुत सर हुई, बहुत सर हुई से मुराद क्या है कि उन्होंने बहुत ज्यादा जिद करके मुझे बुलवाया था। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की, मिन्नत समाजत की, मेरी दरखास्तें की कि सैयदानी अम्मा यहीं रह जाओ, तुम्हें इतना ज्यादा हुनर है, तुमने इतने बेहतरीन कपड़े सिलाई करवाए हैं, अब बाकी जब बाकियों की शादी होगी फिर तुम्हें बुलाना पड़ेगा, फिर इतनी मिन्नत समाजत इतनी दरखास्तें करनी पड़ेंगी, तो तुम यहीं रह जाओ, तुम जमीन पर मत जाओ। दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, दुनिया से मुराद है जमीन, जमीन पर अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक ना मानी, मुझ बद नसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरवतियां देखनी थी। वो कहती है कि मुझे परस्तान में मुझे भी बहुत मजा आया, वहां पर मेरी बड़ी इज्जत थी, बड़ी कदरदानी थी, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा रोका कि दुनिया में मत जाओ, जमीन पर मत जाओ, तुम्हारी ना कोई औलाद ना कोई रिश्तेदार बाकी बचा, तो वहां पर तुम क्या लेने जाओगी, लेकिन मुझ बदनसीब यानी मेरे जैसी कम किस्मत वाली ने अपने ही रिश्तेदारों की बेमुरवतियां बदलिहाजियां देखनी थी, लोगों के साथ जो मेरा बुरा सलूक था वो मेरी किस्मत में अभी बाकी था देखना, इसलिए मैं उनको इतने अपने कदरदानों को परस्तान में जो मेरे कपड़े सिलाई करने की वजह से मेरे कदरदान थे उनको मैं छोड़ आई और इस दुनिया में मैं मुसीबतें उठाने के लिए चली आई। परस्तान में क्यों बसती, क्यों बसती से मुराद है वहां मैं क्यों रहती, मेरे हिस्से की मुश्किलें अभी जमीन पर थी जो मैंने सहनी थी,
वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया जो गोर गड़े का ठिकाना हो गया। मेक साहब की बीवी को कह रही है कि तुम एक रहम दिल औरत मिल गई जिसकी वजह से मेरा जिंदगी गुजारने का जो बंदोबस्त है, खाने पीने का, रिहाइश का जो मेरा बंदोबस्त है, वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में रहम डाला और मेरा वो बंदोबस्त हो गया। वरना तेरे मेरे दरों की दर होता है दरवाजा, वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती, वरना अगर तुम भी मेरे पर रहम ना करती तो फिर ऐसा ही था कि कभी मैं किसी के दरवाजे पर और कभी किसी के दरवाजे पर जाती। मीर साहब की बीवी कहने लगी, सैयदानी भी सब अल्लाह के हाथ में है, बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने। ये तो रिज्क तो अल्लाह ताला की जात के पास है, उसने जिस जिस का जैसे जैसे रिज्क लिखा है उसको मिलना है। ना तो हम भूखे को देने की इस्तेताद रखते हैं, ना जिसके पास पेट भर के खाने का है उससे छीनने की। ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, वो किसका रिस्क किसके वसीले से बेचता है। हर एक अपनी तकदीर का खाता है, हर एक की किस्मत में जो रिस्क है वो खाना है। अब वो उसे किस तरह मिलता है, किसके वसीले से मिलता है, किसकी नौकरी करके मिलता है, किसके काम काज करके मिलता है, वो हमारी दुनिया का निजाम है। हमारी क्या असल के किसी के साथ सलूक करे, हमारी तो ये हकीकत ही नहीं है, हमारी तो ये हैसियत औकात ही नहीं है कि हम किसी से अच्छा सलूक करें। ये तो अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे जरिए से मुझे वसीला बनाकर तुम्हें रिस्क देना था, वो जबरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। अल्लाह ताला जबरदस्ती खिदमत हमसे वो ये नहीं कह रही कि मैं तुम पर एहसान करें तुम्हारी खिदमत करके तुम्हें अपने घर रख के। उसकी आजजी देखे मीर साहब की बीवी की, वो कह रहे हैं कि मैं खिदमत नहीं कर रही, बल्कि अल्लाह तुम्हारी खिदमत मुझसे करवा रहा है, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे सौंप दी है। सैयदानी भी कहने लगी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाओ। बीती से मुराद है कि मेरे ऊपर क्या गुजरा, मेरे साथ क्या गुजरा, मेरे साथ क्या हुआ, वो मेरी जो आप बीती है वो तुम्हें सुनाती हूँ। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब अजमुद्दौला बहादुर की अकलौती बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थी। उस वक्त बरसगीर में जब मुसलमान और हिंदू एक ही जगह पे रहते थे, पाकिस्तान और इंडिया आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त जो नवाब थे उनके घरों के माहौल, उनके घरों का जो रहन सहन था वो किसी बादशाह से कम नहीं था। तो शायद इसी वजह से हमारे जो मुस्लिम हुकूमतें थी वो उल्टी थी कि फौज को मुनज्जम करने की बजाय उन लोगों ने अपने महल बनाने में, अपने एक घर बनाने पर ज्यादा तवज्जो दी और जिंदगी की आसाइशें लूटने में ज्यादा तवज्जो दी। नवाब अजमुद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी यानी अकेली बेटी के ब्याह की तैयारियां, ब्याह यानी शादी की तैयारियां हो रही थी। मारा मार जोड़े सिल रहे थे, मारा मार से मुराद है कि एक जोड़े के बाद दूसरा, दूसरे एक कपड़ों के जोड़े के बाद तीसरा, बार इतने जोड़े बनाए जा रहे थे, इतने कपड़े बनाए जा रहे थे कि किसी और की शादी पे इतने कपड़े शायद ना बने हों। अव्वल अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ता, इतना वहां पर काम था कि मुझे घर आने की फुर्सत ही नहीं थी, मैं दिन रात उनके कपड़े सिलाई कर रही थी। काम हल्का हो गया, हल्का समराध है, काम जब कम हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती। एक रोज जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, बच्चे मकतब से मुराद क्या कि रोजाना के मदरसे में जाने से, स्कूल जाने से जब बच्चे उतार जाते हैं तो वो छुट्टी करना चाहते हैं, वो स्कूल से भागना चाहते हैं। कहते मेरा भी यही हाल हो गया, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा, मेरा भी दिल कर रहा था कि आज मैं छुट्टी करूं, आज मैं जी भर कर आराम करूं। और कई जगह से बुलावे आए, बुलावे यानी पैगाम आए, मुझे वहां पर जाना था, जाके कपड़े सिलाई करने थे, लेकिन मैं ना गई, शायद जुम्मा था। अब उनको अच्छी तरह याद नहीं, वो कहते शायद जुम्मा का दिन था। कितने ही दिन नहाए को हो गए थे, मैं जुम्मे के वाले दिन नहाती हूँ। अब मैं रोज किसी न किसी के घर कपड़े सिलाई करने के लिए जा रही हूँ, और वो आम लोगों के घर नहीं, वो नवाब और नवाबजादों के घर हैं। वहां पर मुझे इतनी ज्यादा देर हो जाती कि मैं जुम्मा मेरा निकल जाता और मैं कितने दिन हो गए हैं अभी नहाई नहीं। उस दिन जुम्मा था, मैं खूब नहाई, शाम हो गई। बोंड पुलाव मुझे खूब बाता है, बाता से मुराद मुझे बहुत पसंद है बिरयानी पुलाव जो है,
मामा से यहाँ मुराद है नौकरानी। नौकरानी को उर्दू में शुरू में अब नहीं, ये लफ्ज अब मतरूक हो गया, तर्क हो गया। अब नौकरानी के लिए मामा लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पहले हुआ करता था। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल हम अगर पहले देखें तो उसमें मामा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मामा से बोंड पुलाव पकवाया। जो मुलाजमा थी उसे मैंने कहा कि बोंड पुलाव जल्दी से पकाओ, थकी थकाई लेटी थी, इतने में जुट पटा हो गया। कहते कि मैं लेट गई, मुझे थकावट हो चुकी थी, मगरब का वक्त हो गया था, जुटपटा पुलाव दम पर था। पुलाव अभी तैयार था, दम पर था, अभी उतार कर, चूल्हे से उतार कर अभी डिश में या प्लेट में अभी नहीं डाला था कि बाहर से किसी ने आवाज दी। सैयदानी भी को सरकार ने याद किया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि वो थकी हुई है सैयदानी भी, मगरब का वक्त है, वो लेट गई है, वो सोने लगी हैं, असल में वो सो गई हैं। वहां पर उन्हें ख्वाब दिखाई दिया है, ख्वाब में किसी ने आके दरवाजा खटखटाया है। सैयदानी बी को सरकार ने याद किया है। पेंस भी भेजी है, पेंस से मुराद है सवारी भी भेजी है। जिस तरह बैठी हो इसी तरह फौरन चली आओ, जरा वक्त नहीं लगाना, उठो और सवारी तैयार है, चलो सफर पर निकलते हैं। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी। बड़े नखरों से मुराद के बात को आगे पीछे घुमाना, कहना कि मुझे और भी कई जगह से बुला गया है, मैं आज नहीं आ सकती, मैं कल आऊंगी। ऐसे बेवक्त, बेवक्त से मुराद शाम को तो मैं घर आ जाती हूँ और ये शाम का वक्त हो चुका है, अब मैं कैसे और कहाँ पर जाऊं इस वक्त। ऐसे बेवक्त और अपने बावन की पकवाई हुई चीज छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। ना तो मैं शाम को कहीं जाती थी और ना ही अपनी पसंद की चीज छोड़कर जाती थी। अब वक्त भी शाम का है, मैं घर से बाहर जा नहीं थी सकती, मेरी पसंद का पुलाव पका हुआ है, उसको भी मैं छोड़ नहीं सकती, मेरी ये आदत ही नहीं थी। लेकिन होने वाली बात से मुराद है तकदीर में जो लिखा हो वो होकर रहता है। लेकिन होने वाली बात मैंने जरा इनकार ना किया। मेरे साथ कुछ हादसा पेश आना था जिसकी वजह से मैंने जरा इनकार ना किया। और जैसी बैठी थी, हालांकि उन्होंने बताया कि मैं बड़े नखरे किया करती थी, बड़ी तैयारी किया करती थी, और मैं जैसे बैठी थी मैं वैसे ही सफेद चादर सर पर मैंने डाल ली और मैं सवारी पर सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई दो आने डोली होगा, नवाब साहब का था। और उन्हें यही अंदाजा था सैयदानी बी को, जो सरकार ने बुलाया है ये जरूर नवाब अजमुद्दौला ने बुलवाया है। तो कहते हैं कि नवाब साहब का घर मेरे घर से कोई दो आने डोली था। डोली वाले को मैं सिर्फ दो आने देती थी और वो मुझे वहां तक ड्रॉप कर देता था, छोड़ आता था। काजीवाड़े से, अब ये जगहों के नाम है जो उसके रस्ते में आ रहे हैं, काजीवाड़े से निकले और खानम का बाजार आया। प्यारे बच्चों, खानम का बाजार उर्दू अदब में, लिटरेचर में यहाँ इसका बार बार जिक्र आया है कि यहाँ पर मरहट्टा गर्दी में यहाँ पर बहुत ज्यादा जुल्म व सितम हुआ। इस कहानी में भी उसी के हवाले से, ये जो सैयदानी भी के शोहर और उसके घर वाले सारे मारे गए हैं, वो मरहट्टा गर्दी में ही मारे गए हैं। खानम का बाजार आया, पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, जब बहुत देर हो गई कि ना नवाब अजमुद्दौला ने बुलवाया है, ना खानम के बाजार में किसी अहम शख्सियत ने मुझे बुलवाया है कि मैं उसके कपड़े सिलाई करके आऊं, तो अब मुझे जाना है तो कहाँ जाना है। कहते पहले तो मुझे वो ना ख्याल ना हुआ, जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों की आवाज ना आई। अब जहां पर सवारी जाके उतरनी थी वहां हटो बच्चों की आवाजें आती हैं कि पीछे पीछे हो जाए, सवारी उतरने लगी है और जल्दी से हमें यहाँ से जाना है, कोई रस्ते में रुकावट ना बनाए। कहते ऐसी कोई किसी किस्म की मुझे आवाज ना आई। बाजार के चिराग में झलकते हुए दिखाई ना दिए, खानम का बाजार असल में, खानम का जो बाजार है वहां चिराग की रवायत थी, असल में वो एक समझे के तवायफ खाना था। वहां पर रिवाज और रवायात के मुताबिक चिराग वहां पर शाम होते जलाए जाते थे। तो कहते जब वो मुझे कहीं दिखाई ना दिए तो पर्दे की झुरी खोली, पर्दे वो जो सवारी है वो दोनों साइड पे पर्दे लगे हुए और उन्हें बंद किया हुआ है छोटी सी लेस के साथ। तो कहते हैं कि जब मैंने वो धागा उसका लेस मैंने झुरी जो है ना वो खोली तो मुझे कहीं पर चिराग नजर ना आए। और नजर क्या आया, अब जो देखती हूँ तो जंगल साई साई का रहा है,
कहते हैं मैं तो बाजार के ऐन दरमियान में रहती थी, ये जंगल कहाँ से आ गया। मैंने जब जुरी खोली कपड़े की पर्दे की जो सवारी के साथ था, तो मुझे क्या नजर आया, खामोश जंगल नजर आया, खामोशी ही खामोशी नजर आई। और पेंस को जैसे पहिए लगे हैं और पेंस ऐसे सवारी उड़ रही थी, ये जमीन पर तो कुहार सवारी को चलाते हैं, दो आगे एक कुहार उन्होंने कंधों पे सवारी रखी हुई है और दो पीछे चार अफराद, या दो अफराद अगर एक डंडे पर सवारी है तो दो अफराद उठाए होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं कि ऐसे था जैसे पहिए लग गए हैं, जैसे उड़ती ही जा रही है सवारी, उड़ी चली जा रही है, कलेजा दख से हो गया। कहते कि मैं तो हैरान परेशान हो गई, मेरा कलेजा दख से रह गया, परेशानी का आलम मेरे ऊपर ऐसा सवार हुआ कि बदन में सनसनी आने लगी, मुझे मैं इंतहाई खौफजदा हो गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। और ये क्या गजब हुआ, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, यानी मुझे अब कोई सूझ नहीं रहा था, मेरे ऊपर खौफ तारी था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा अपना जो शहर है वो तो ये नहीं है, जंगल कहाँ से आ गया और सवारी कैसे उड़ने लगी। असल में वो ये सारा ख्वाब देख रही है, ख्वाब में उसे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि वहां पर सवारी जो है वो उड़ रही है। कहते हाथ पांव ठंडे हो गए, ये क्या गजब हुआ, ये मुए कुहार कहाँ लिए जाते हैं। मुए कुहार से मुराद है, मुए से मुराद है मरने वाले, कि इनको मौत क्यों नहीं आती। कुहार से मुराद है जो सवारी उठाए हैं, ये कहाँ मुझे लेकर चले जा रहे हैं, इस जंगल में कौन सी सरकार है। लेकिन मरता क्या ना करता, अब मुझे मरने का वक्त आ गया था, ना तो मैं कभी उड़ने वाली सवारी में बैठी थी, ना मैं कभी जंगल में गई थी, तो जरूर ये मेरे मौत का वक्त है। दिल कड़ा करके मैंने अपनी आवाज निकाली, बड़ा मजबूत दिल करके मैं बोली और पूछा, ए कमबख्तो, कमबख्तो वो कह रही है कम नसीबो, कम किस्मत वालों, कुहारों को कह रही है जो उसे सवारी को लेकर उठाए चल रहे हैं। कहते ए कमबख्तो, मुंह से तो फूटो, कुछ तो बोलो, मुझे तुम्हारी भी कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे कहाँ ले जाओगे। अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है, मैं तो नवाब आजमउद्दौला समझी थी कि वो उन बड़ी सरकार की बात हो रही है, आप मुझे बताओ तुम किस सरकार के पास मुझे लिए जा रहे हो। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सैयदानी भी खफा क्यों होती हो। कहते हम मेरे ऊपर खौफ और डर तारी है, गुस्सा तारी है, तो कोई किसी ने हंस कर जवाब दिया, सैयदानी भी क्यों खफा होती हो, क्यों नाराज होती हो, बादशाह सलामत ने बुलाया है, कोई दम में, दम शमराद है लम्हे में, महलात दिखाई देते हैं, अभी महलात दिखाई देंगे तो तुम्हारा ये जो डर खौफ है ये खत्म हो जाएगा और तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हम बादशाह सलामत के घर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों अपना रजिस्टर निकालिए और इस पेज पे ये तीन पैराग्राफ दिए हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, इनकी आप तशरीह लिखें, फिर आपको जो बात समझ में आए वो जरूर पूछें। एक और बात मैं कहना चाह रही थी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के आइकन को आप दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियोस इन टाइम मिला करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।